आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का कंप्यूटर का चैप्टर 2 जो कि हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का अभी पार्ट 1 वीडियो हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमारा आता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस सर्टेन इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। ओके, तो प्रोग्रामिंग इसलिए हम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कि यूजर जो भी इनपुट देता है, जो भी कंप्यूटर में यूजर इनपुट देता है, जो भी डाटा एंटर करता है, उसको वो इनपुट के हिसाब से आउटपुट चाहिए। तो जो आउटपुट उसको चाहिए, इनपुट के हिसाब से उसको जो आउटपुट चाहिए, वो इनपुट से आउटपुट कैसे निकलेगा, इसके लिए कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से दिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके कंप्यूटर क्या करता है, यूज़र का जो इनपुट है उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, जैसे कि आप लोग गूगल यूज़ करते हो, गूगल सर्च इंजन के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, जो भी फ्रेज या जो भी क्वेश्चंस लिखते हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर चाहिए, तो वो आंसर कंप्यूटर और गूगल कैसे निकालता है, तो उसके लिए गूगल के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखा होता है। वो इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके वो आपका इनपुट को लेकर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आउटपुट निकालता है। ओके, तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग और इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर द आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो जो डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है, डिफरेंट लाइंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स लिखा जाता है, ओके, टू परफॉर्म ए टास्क। तो एक प्रोग्राम के अंदर हमने सिक्स्थ क्लास में ऑलरेडी प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये सब हमने पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। तो ए प्रोग्राम मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस एंड ए सॉफ्टवेयर मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। ये डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं सिक्स्थ क्लास के अंदर। तो प्रोग्राम में क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है। ओके, तो प्रोग्रामर दैट मीन हु इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हु राइट द प्रोग्राम्स और द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, जैसे कि आप लोग मोबाइल में, स्मार्टफोन में डिफरेंट ऐप्स यूज करते हो, आपके मोबाइल के अंदर हजारों ऐप्स होता है, तो जो अलग अलग ऐप्स आप यूज़ करते हैं मोबाइल का, वो ऐप्स के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है, अलग अलग ऐप यूज़ करेंगे उसके अंदर आपका अलग अलग काम होगा। तो वो आपके अंदर क्या क्या काम होता है ऐप्स के अंदर, उसके लिए वो ऐप्स में जो डिज़ाइनर होता है ऐप्स का, वो क्या करता है, वो ऐप्स के अंदर डिज़ाइनिंग टाइम में हजार लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें वो डालता है इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शन डालने के बाद वो सॉफ्टवेयर उसका बनता है और ऐप्स बनता है। बनने के बाद वो आपका प्ले स्टोर में वो ऐप वो पब्लिश करता है और प्ले स्टोर से आप वो ऐप को डाउनलोड करते हैं मोबाइल में करके उसको यूज़ करते हैं। तो वो आपका काम क्या है, वो कैसे काम करेगा, इसके लिए पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें दिया जाता है। उसको कौन देता है, उसको प्रोग्रामर देता है। तो वो जो प्रोग्रामर देता है वो भी एक लैंग्वेज यूज़ करके उसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखता है। तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखता है वो लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, देखो तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे हजार हजार लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है। एक प्रोग्रामिंग या एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हजार हजार लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐप्स का या कोई भी डिवाइसेस का ब्रेन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकता है। ओके, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे और द प्रोग्रामर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो फंक्शन करता है। ओके,
क्योंकि उसका ब्रेन नहीं है, तो हम जितना इंस्ट्रक्शन देंगे उतना इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करेगा। ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जेनरेशन को फाइव टाइप में डिवाइड किया गया, दैट मीन्स फाइव लैंग्वेज में, दैट इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट इज द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ओके, देन सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज दिस इज द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। देन हाई लेवल लैंग्वेज दिस इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, देन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, तो ये जनरेशन को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर जनरेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। ओके, सो ए मशीन लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज व्हिच इज मेड अप ऑफ जीरो एंड वन। इट इज द ओनली वन लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। ओके, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, उड़िया यूज करते हैं, तेलुगु, तमिली, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हम यूज करते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे 26 अल्फाबेट्स होता है। ओके, ए टू जेड 26 अल्फाबेट होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो 26 अल्फाबेट को यूज करके ही हम लिखते हैं, चाहे कोई वर्ड हो, सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी हम लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का 26 अल्फाबेट को यूज करके हम लिखते हैं। पर ये जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज के अंदर दो ही बेसिक एलिमेंट्स होता है, दैट इज जीरो एंड वन। इसमें जो भी लिखा जाएगा जीरो एंड वन को यूज करके हम लिखेंगे। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली जीरो एंड वन्स। देन इट इज द ओनली वन लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेज एक ही ऐसा लैंग्वेज है जो कि जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर और कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं सकता है। ओके, डायरेक्टली कंप्यूटर ये मशीन लैंग्वेज ही समझता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर ओनली दो ही डिजिट होता है, जीरो एंड वन, और जीरो वन को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, जीरो वन को बाइनरी नंबर्स भी हम बोलते हैं, इसके लिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये मशीन लैंग्वेज के जो भी इंस्ट्रक्शंस देखो, यहाँ पे चारों तरफ कंप्यूटर के अंदर ओनली जीरो और जीरो वन, जीरो वन ही आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई भी मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे आपके, उसमें आपको ओनली जीरो वन ही दिखाई देगा। ओके, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिसको मशीन लैंग्वेज समझ में आता है वही इसको समझ पाएगा। जो डिज़ाइनर मशीन लैंग्वेज यूज़ करके कंप्यूटर के लिए कोडिंग लिखता है, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज का कोडिंग पहले से लिखा जाता है। तो वो जो कोडिंग कौन लिखते हैं, द प्रोग्रामर्स और द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जिसको मशीन लैंग्वेज में आता है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, उसको ही ये जब ये देखेंगे उसको ही समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, कौन सा इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमको चारों तरफ दिखाई देगा जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ओके, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड का मतलब क्या है, निमोनिक कोड मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। जैसे कि मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, हमारा ओनली जीरो एंड वन, वो दो ही बेसिक एलिमेंट यूज होता था। ओके, जिसके लिए वो जो जीरो वन का जो कोडिंग लिखा जाता था वो कोडिंग सबको समझने के लिए उतना इजी नहीं था। ओके, बहुत डिफिकल्ट था। जो उसमें परफेक्ट होंगे वही इसको समझ पाएंगे, नॉर्मल यूजर्स और नॉर्मल प्रोग्रामर्स उसको समझने के लिए थोड़ा उनको तकलीफ होता था। वो प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए ऐसे मशीन लैंग्वेज के जगह पे असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर हमारा ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ, जब हम प्रोग्राम हम अपनी
फ़ायदा के लिए हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिए, पर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जब कंप्यूटर में हम फीड करेंगे, तब वो कंप्यूटर में जब लोड करेंगे तब वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत है जो कि हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन को फिर से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्टर का यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि हम कोई दूसरे लैंग्वेज के आदमी के साथ जब बात करते हैं, जैसे कि सपोज हम एक आदमी के साथ बात करेंगे जिसको ओनली तेलुगु पता होगा, हमको हिंदी पता है, उसको ओनली तेलुगु पता है, हमको तेलुगु पता नहीं है और वो तेलुगु का आदमी को उसको हिंदी पता नहीं है, तो हम बात उसके साथ कैसे करेंगे? तो हम एक मीडिएटर, एक ट्रांसलेटर को ढूंढेंगे जो कि जिसको कि हिंदी एंड तेलुगु दोनों लैंग्वेज परफेक्टली आता होगा। तो हम जो भी हिंदी में बोलेंगे वो आदमी क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, तेलुगु में ट्रांसलेट करके वो दूसरे आदमी को बोलेगा, और वो जो तेलुगु में बोलेगा वो ट्रांसलेटर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको बताएगा, तो हमको समझ में आएगा। ओके तो इसी तरह ट्रांसलेटर का यूज से एक लैंग्वेज के लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर। ओके तो इसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। एन असेंबलर प्रोग्राम इज यूज टू डू दिस, दैट मीन्स ये जो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेट किया जाता है, वो ट्रांसलेशन का काम ये असेंबलर करता है। ओके तो इसका एक एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज का अदा, ADA। तो ADA इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अभी हम देखें कुछ असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस। तो हियर इज एन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के कोडिंग हम ऐसे लिखते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज हुआ है, नंबर्स यूज हुआ है, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा गया है, उसका कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ एक्वेंटेड है वही ये इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे। देखो उसका इक्वेलेंट ये मशीन लैंग्वेज कोडिंग है। यहाँ पे देखो जहाँ पे भी हम देखेंगे 0101 ही चारों तरफ दिखाई देता है। ओके इसका मतलब क्या है, ये जो 0101 कोडिंग है इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस के हिसाब से इसको वो रखते हैं, रखने के बाद उसका एक मीनिंग बनता है, वो मीनिंग के हिसाब से फंक्शनिंग होता है। तो ये जो कोडिंग 01 का लिखा गया है इसको ऐसे कैसे भी करके हम लिख नहीं पाएंगे, इसका एक प्रोसेस होता है लिखने के लिए, तो वो प्रोग्रामर को ये पता है ये किस प्रोसेस में लिखा जाता है। हमको ना असेंबली लैंग्वेज समझ में आता है ना मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, कोई भी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है। ओके तो अभी देखेंगे असेंबलर का काम कैसा है। देखो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा गया है, तो जब असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हम कंप्यूटर में लोड करेंगे तब ये जो असेंबलर है ट्रांसलेटर, ये भी स्मॉल प्रोग्राम है जो कि हमारा लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगेन वो मशीन लैंग्वेज को फिर से मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा। ओके द नेक्स्ट इज आवर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज एन यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ओके विच इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, सो इट नीड्स टू कन्वर्टर्स, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। सो ये एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज मतलब इट इज ऑल्सो इंग्लिश लाइक, यूजर फ्रेंडली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश में हम जो भी टर्म्स यूज करते हैं, जो भी वर्ड्स डेली लाइफ में जो वर्ड हम इंग्लिश का यूज करते हैं, वही डेली लाइफ का यूज होने वाला वर्ड को इसमें यूज किया गया है ताकि हम इसको इजीली समझ पाएंगे और वो वर्ड को याद रख पाएंगे। पर असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होता था इंग्लिश का, वो वर्ड हम कहीं पर भी यूज नहीं करते थे, हम कहीं पर भी वो वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो वो वर्ड को समझना और याद रखना हमको डिफिकल्ट होता है। इसके लिए वो प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोडिंग स्टाइल डिफाइन किया गया है वो कोडिंग स्टाइल
उससे थोड़ा इजी है, मतलब प्रोग्रामर को इजी होगा इसका प्रोग्रामिंग कोडिंग का याद रखने के लिए, क्योंकि जो प्रोग्रामर लिखते हैं प्रोग्रामिंग, वो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लाइन का प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ऐसे नहीं कि दो लाइन तीन लाइन चार लाइन में लिख देंगे, हज़ार हज़ार लाइन का कोडिंग उन लोगों को लिखना पड़ता है। अगर वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वो लिख पाएंगे, इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी कंफर्टेबल। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ पे है, हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है। ओके, सो हियर इज टू कन्वर्टर्स आर यूज, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दो टाइप के कन्वर्टर यहाँ पे यूज होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एंड मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, देन कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज, देन सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल, पाइथन, देन बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म में बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, और भी बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज है, ये डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके डिफरेंट प्रोग्रामिंग बनाया जाता है। ये जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये पहली बार डेवलप हुआ था। ये लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लिखा जाता था, इसका काम है ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनता था वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फोर्ट्रान लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया जाता था। देन कोबल, कोबल लैंग्वेज यूज करके जो प्रोग्रामिंग बनाया जाता था वो ओनली बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता था। ओके, बिजनेस पर्पज के लिए। देन लोगो, लोगो ये जो ग्राफिकल डिजाइन के लिए इसको यूज किया जाता था, ग्राफिकल डिजाइन्स, लाइंस, ओके, कर्व्स, देन सर्कल्स, वो सब डिजाइन के लिए ये लोगो को यूज किया जाता था। देन ये जो बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, दीज आर द कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, दैट मीन्स ये जो लैंग्वेज सभी पर्पज के लिए ये लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं कोई भी पर्पज के लिए। पर ये जो तीन लैंग्वेज थे ये पर्टिकुलर एक ही काम के लिए यूज होता था, ये सब कॉमन ओरिएंटेड नहीं था। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज आवर, अभी देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, ये जो ये जावा प्रोग्रामिंग का, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, तो ये जावा प्रोग्रामिंग का एक सिंपल इंस्ट्रक्शन से प्रोग्रामिंग का कैसे स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये जावा का एक सिंपल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे टोटल सिक्स लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, ये छोटा सा प्रोग्राम है। ओके, ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, मतलब ये प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसमें आपको आपका नेम पूछ रहा है, आपका नेम आप इनपुट करेंगे, आपका नेम देने के बाद वो यहाँ पे लिखेगा हाय एंड योर नेम, योर नेम एक्स वाई जेड, यहाँ जो भी होगा हाय एक्स वाई जेड। तो ये एक सिंपल सा आउटपुट है। ओके, छोटा सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, सॉरी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज देखने से पहले हम थोड़ा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का डिफरेंस समझ लेते हैं। हमने देखा था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों क्या है, दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो कंपाइलर, इट इज़ ए ट्रांसलेशन प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट और ट्रांसफर हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। इट डिस्प्ले द एरर्स टू द यूजर्स इफ एनी। इट वर्क्स वेरी फास्टर। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, सॉरी कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम हम लिखे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एट ए टाइम
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम के अंदर जितना भी लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन या चार इंस्ट्रक्शन या 100 इंस्ट्रक्शंस, जितना भी इंस्ट्रक्शन हो वो सारे इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। पहले क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को ए टू जेड, स्टार्टिंग टू बिगिनिंग जितना भी इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, वो सारे इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ लेता है और ये प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी कुछ मिस्टेक होगा, एरर होगा, वो मिस्टेक जो भी है वो मिस्टेक को यूजर को और प्रोग्रामर को वो शो करता है कि यहाँ आप ये लाइन पे इंस्ट्रक्शन है। आप वो सारे इंस्ट्रक्शन को चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ एरर होगा वो एरर को आप करेक्शन कर देंगे। अगर आपका प्रोग्राम एक बार एरर फ्री हो गया, मतलब बिल्कुल भी यहाँ वहाँ पे एरर नहीं है, तब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंटरप्रेटर से थोड़ा फास्टर है। देखो यहाँ पे ऑल हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड, यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, सपोज इसके अंदर 20 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 20 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर क्या करेगा, वो 20 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बिगिनिंग से एंड तक उसको ऑब्जर्व कर लेगा और जो जो लाइन पे अगर कुछ एरर है तो वो सारे एरर यूजर को शो करेगा, मतलब प्रोग्रामर को। प्रोग्रामर क्या करेगा, जो जहाँ जहाँ पे एरर उसको मिला वो सारे एरर को करेक्शन कर देगा। एरर को करेक्शन करने के बाद जब प्रोग्राम कम्प्लीटली एरर फ्री हो जाएगा, तब क्या करेगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, देन उसका कंप्यूटर के अंदर उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। पर इंटरप्रेटर उससे थोड़ा अलग है। इंटरप्रेटर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ट्रांसलेशन प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसफर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम, इंस्टेंटली करेक्ट द एरर्स एंड करेक्ट द एरर्स ऑफ द करेंट लाइन इफ एनी, एंड इट वर्क्स वेरी स्लो। वो कंपाइलर से थोड़ा स्लो है। देखो इंटरप्रेटर कैसे करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इट रीड वन लाइन्स ऑफ हाई लेवल सोर्स कोड, दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन है, सपोज यहाँ पे 50 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इंटरप्रेटर सारे लाइन्स को एट ए टाइम वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लाइन में जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको जो वेरीफाई करेगा वो लाइन में कुछ एरर है कि नहीं है। अगर लाइन में एरर नहीं है तो उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। फिर से सेकेंड लाइन में जाएगा, सेकेंड लाइन में अगर कुछ एरर नहीं है तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। देन थर्ड लैंग्वेज, सॉरी थर्ड लाइन में देखेगा, अगर थर्ड लाइन में का जो इंस्ट्रक्शन उसमें कुछ एरर है तो यूजर को इंस्टेंटली वही इंस्ट्रक्शन दिखाएगा कि ये लाइन पे एरर है, तुम इसको करेक्ट करो। तो प्रोग्रामर उसको करेक्ट करेगा, करने के बाद जब वो लाइन एरर फ्री हो जाएगा तब फिर से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह वन बाई वन जितना भी लाइन है सभी लाइन वन बाई वन सभी लाइन को वो चेक करेगा और एरर फ्री होने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये वन बाई वन लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो ये कंपाइलर से थोड़ा स्लो है। तो ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट द कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम्स ऑफ होल प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज एट ए टाइम, बट द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम। ओके, तो इतना बेसिक डिफरेंस है। द नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन। सो इट इज हाईली यूजर फ्रेंडली, इट्स एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट एंड इट नीड्स मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन द रिजल्ट। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो कोडिंग्स लिखा जाता था वो कोडिंग तो यूजर फ्रेंडली था, पर फोर्थ जनरेशन उससे भी बहुत यूजर फ्रेंडली, बहुत ईजी है। मतलब इसका कोडिंग कोई भी इजीली लिख पाएगा, इसको पढ़ना समझना याद रखना बहुत ईजी है। ओके, एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट, मतलब ये जल्दी जल्दी आपको आउटपुट निकल के देगा। आप जो भी इनपुट देंगे जल्दी जल्दी उसका आउटपुट निकल के देगा। ओके, एंड इट नीड्स मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन द रिजल्ट। यूजर से ये मिनिमम एफर्ट, आप कुछ भी डाटा देंगे उस डाटा के हिसाब से जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। वो ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली आप इन्फॉर्मेशन देंगे
उसका एग्जैक्ट आंसर ही आपको मिलेगा। अगर आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जैसे कि आप लोग इंटरनेट में जो भी सर्च करते हैं, जो भी चाहे सर्च इंजन में हो या ब्राउज़र में हो, जो भी आप सर्च करते हैं, आप जितना भी आपको पता है एक वर्ड देंगे या सेंटेंस देंगे, जो भी क्लू देंगे, वो क्लू के हिसाब से आपको वो सारे उसका रिलेटेड आउटपुट जो भी है कंप्यूटर के अंदर, वो सब आपको दिखाई देता है, और उसी हिसाब से आप चूज़ करते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? अब जब गूगल में सर्च करते हैं, कोई भी वर्ड लिख देते हैं, तो उस वर्ड का रिलेटेड हजारों इन्फॉर्मेशन आपको वो दिखाई देता है। तो ये मिनिमम एफर्ट से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है। तो जो इंटरनेट का डिफरेंट ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, जो भी इंटरनेट का ऐप्स है, उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए बैकअप में, बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होता है, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और भी है जैसे कि PHP, Oracle, ओके, देन MySQL, तो ये बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस है जो कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का कोडिंग ऐसे लिखा जाता है, ओके। तो ये कोडिंग को यूज़ करके आप जो भी इंटरनेट में सर्च करते हैं, वो सारे सर्च इन्फॉर्मेशन ये सर्च करने के लिए इसी टाइप का कोडिंग आपके कंप्यूटर के अंदर या ब्राउज़र के अंदर पहले से लिखा होता है। आप जो भी सर्च करेंगे, वो सर्च इन्फॉर्मेशन ये कोडिंग को यूज़ करके, आपका इन्फॉर्मेशन सर्च करके वो आपके कंप्यूटर में आपको शो करता है, ओके। सो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इट यूजेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स, एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और द रोबोट टेक्निक इज यूज टू डिज़ाइन द रोबोट और ए डिवाइस दैट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम, जो कि अपना प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा एक डिवाइस बनाया जाता है जो कि ह्यूमन बींग के जैसा काम करेगा और वो अपना प्रॉब्लम अपने आप में वो सॉल्व करेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग जो भी इंस्ट्रक्शंस के काम में जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो ह्यूमन बींग के जैसा ही काम करेगा। जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए रोबोट्स यूज होता है, और बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ होता है। जहाँ पे ह्यूमन बींग का यूज़ नहीं होता है, रोबोट यूज़ होता है, और रोबोट ह्यूमन बींग के जैसा काम करता है। हम जैसे अपने आप में बात करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी हिसाब से रोबोट को हम जो बोलेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, वो ह्यूमन बींग का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ह्यूमन बींग का वॉइस का जो इंस्ट्रक्शन, उसी हिसाब से वो काम करेगा, ओके। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग बनाने के लिए बहुत सारे फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज यूज होता है, जैसे कि मर्क्यूरी, ऊप्स एंड फ्रोलंग, ओके, लीप्स। सो दीज आर द डिफरेंट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स, ओके। सो अभी हमारा कंप्लीट हो गया, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज।